वेलकम टू बैक पुष्पत कंप्यूटर क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम टेली ईआरपी 9 में जीएसटी पढ़ने वाले हैं। आज हम इसमें सेल जीएसटी पढ़ने वाले हैं और हम माल को बेचेंगे। उसमें हम आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, दोनों जीएसटी लगाकर देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको डेस्कटॉप साइट पर आ जाना है। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना होता है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको इसमें F11 प्रेस करना होता है। तो मैं F11 प्रेस कर देता हूं। F11 प्रेस करने के बाद में यहां पर एक ऑप्शन दिख जाता है आपको, ये स्टेटरी एंड टेक्शन। तो यहां पर आकर आपको इंटर करना होता है। इसके बाद में आपने जो भी कंपनी बनाई उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सिंपल सा अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस ही रखना होता है। ठीक है, तो यस कर देते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको दिखता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी आपको यस करना होता है। तो सिंपल सा यस कर देता हूं मैं। यस करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है। तो मेरी कंपनी मध्य प्रदेश की है, इसलिए मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर रेगुलरी रखना होता है, सिंपल सा एंटर करना होता है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना होता है, जो भी आपके मध्य प्रदेश का जीएसटी नंबर है वो आप डाल दीजिए, जो आप कंपनी के, जो आपकी कंपनी के जीएसटी नंबर है मध्य प्रदेश में वो आप डाल दीजिए। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर डाल दिए। इसके बाद में सिंपल सा एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर इंटर इंटर, आपको इंटर इंटर करते जाना है और इसको ऐसे एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद में सिंपल सा इंटर इंटर प्रेस करते जाना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, स्किप की सहायता से पीछे आ जाना है, पीछे आ जाना है। और इसके बाद में अब आपको लेजर क्रिएट करना होता है। तो मैं सीधे लेजर क्रिएट पर चलता हूँ। तो आपको अकाउंट इन्फो पे जाना होता है लेजर क्रिएट करने के लिए। तो अकाउंट इन्फो पे जाके मैं इंटर करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है लेजर का, लेजर पाकर इंटर करता हूँ, सिंपल सा क्रिएट पर इंटर करता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हम सेल्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल्स सेल्स अकाउंट में आता है, सिंपल सा इंटर इंटर करते जाना है। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि हम गुड्स को बेचेंगे इसलिए गुड्स, हम सर्विस नहीं बेच रहे हैं, हम गुड्स बेचेंगे इसलिए गुड्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में सिंपल सा एंटर एंटर करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक लेजर बना लेता हूं मैं शाम का, शाम ट्रेडर्स, शाम ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, ठीक है, शाम ट्रेडर्स का लेजर बना लिया है। शाम ट्रेडर्स हमारा पाने वाला रहेगा, हम शाम ट्रेडर्स को माल बेचेंगे। तो आपको पता होगा कि पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, सिंपल सा डेबिट करेंगे और इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। जो शाम ट्रेडर्स है हमारा एमपी का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शाम ट्रेडर्स को एमपी में रखेंगे और सिंपल सा इंटर इंटर करते जाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम राम का बना लेते हैं। राम को हम राजस्थान का रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं RAJ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा ये राजस्थान का है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी हमारा डेबिटर में आएगा। और यहाँ पर आकर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम राजस्थान स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल सा एंटर एंटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये वाली डिटेल आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, आपके पास जीएसटी नंबर और पिन नंबर हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा एंटर एंटर करते जाइए। ठीक है, इनका हमने लेजर बना लिया है। इसके बाद में आपको आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी का लेजर बना होना होता है। तो यहाँ पर मैं आईजीएसटी का लेजर बना लेता हूँ, आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी का लेजर बनाता हूँ। आईजीएसटी हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सन में आती है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं जीएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स होती है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपकी एसजीएसटी बनाना होता है, तो एसजीएसटी में बना लेता हूँ। एसजीएसटी ये भी आपकी ड्यूटीज एंड टैक्स में आती है और यहाँ पर आपको एसजीएसटी सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद में जो एसजीएसटी के लिए आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है और सिंपल सा इंटर इंटर करना होता है। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम सीजीएसटी बना लेते हैं। तो सीजीएसटी ये भी आपकी
अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्स में आती है। सिंपल सा एंटर कीजिए, यहाँ पर आप जीएसटी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आकर आपकी सीजीएसटी है इसलिए आप सेंट्रल जीएसटी सिलेक्ट कीजिए। सिंपल सा एंटर एंटर करते जाइए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको स्किप की सहायता से पीछे आ जाना है, पीछे आ जाना है, पीछे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑप्शन दिख जाता है इन्वेंट्री इन्फो, तो इन्वेंट्री इन्फो में हमको जाना होता है। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर, यूनिट्स ऑफ मेजर में जाकर आपको एंटर करना होता है। इसके बाद में आपको सिंपल सा क्रेट में एंटर करना होता है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला नेम में लिख लेता हूँ, फॉर्मूला में लिख लेता हूँ पीसीएस मतलब पीस, ठीक है। यहाँ पर मैं पीस लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं पीसीएस लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पीसीएस पीस, ठीक है। हम कुछ भी सामान लेंगे वो पीस में लेंगे। इसके बाद में सिंपल सा स्किप की सहायता से पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक सेकेंड ऑप्शन दिख जाता है स्टॉक आइटम, वो भी आपका इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत आता है। तो आपको स्टॉक आइटम पे जाना है और क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल लिखता हूँ सिंपल सा, और मोबाइल लिखने के बाद यहाँ पर पीस में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है आपको सेट अल्ट्रा जीएसटी डिटेल, यहाँ पर आकर आपको सिंपल सा यस करना होता है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको ऑन वैल्यू ही रखना होता है। इसके बाद में आपको एंटर करना होता है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर आके आपको जितने भी परसेंट टैक्स लगाना है वो टैक्स लगाना होता है, तो यहाँ पे मैं 18% लगा रहा हूँ, 18% लगा देता हूँ। इसके बाद में सिंपल सा एंटर एंटर करना होता है, ठीक है। दोस्तों हमने मोबाइल क्रिएट कर लिया है, इसके बाद में हम एक और चीज क्रिएट कर लेते हैं कंप्यूटर, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर क्रिएट कर लेते हैं। कंप्यूटर क्रिएट करने के बाद कंप्यूटर भी हमारा पीस में रहता है, तो यूनिट से हम पीस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर आपको यस करना होता है। यस करने के बाद जो सेम जैसा सेम हमने पीछे किया था वैसे ही करना है आपको, यहाँ पर टैक्सेबल सिलेक्ट करना होता है टैक्सेबिलिटी में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं 18% जीएसटी लगा देता हूँ और सिंपल सा एंटर एंटर करता हूँ इसके बाद में, ठीक है। दोस्तों एंटर एंटर करने के बाद अब आपको क्या करना होता है, आपको माल सेल करना होता है। पहले आप माल सेल करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है, अकाउंटिंग वाउचर में चला जाता हूं मैं और यहां पर आकर आपको F8 प्रेस करना होता है। दोस्तों याद रखिएगा हमारा माल माइनस में सेल होगा क्योंकि अभी तक हमने माल परचेस नहीं किया है। अगर आप परचेस करके माल को सेल करोगे तो आपका जो आंसर रहेगा वह प्लस में आएगा, पर मैं डायरेक्ट आपको सेल करके दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो मेरा पिछला वीडियो था मैंने उसमें आपको परचेस की एंट्री बता दिया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने जीएसटी के बारे में परचेस की एंट्री बता रखी है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टेली ERP9 का फुल कोर्स अपलोड हुआ है और इसके बाद में हम आप टेली प्राइम C++ जावा पाइथन जो भी कंप्यूटर के सभी कोर्स है सभी पर हम शानदार तरीके से लेक्चर लाने वाले हैं। तो दोस्तों अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आकर राम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। राम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा एंटर एंटर करना होता है, ठीक है। दोस्तों एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेल सिलेक्ट करना होता है। हमने स्टॉक आइटम में क्या क्या बनाया था, मोबाइल बनाया था, मोबाइल लिख लेते हैं यहाँ पर। कितने सेल कर रहे हैं हम, 20 लिख लिए यहाँ पे सिंपल सा। डेट दे देता हूँ इसका मैं 30,000 रुपये, ठीक है। सिंपल सा एंटर करता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर भी परचेस किया था मैंने, कंप्यूटर भी खरीदा था मतलब कंप्यूटर स्टॉक आइटम बनाया था, इसलिए सिंपल सा 10 कंप्यूटर खरीद लेता हूँ। एक कंप्यूटर हमारा 20,000 का है, 20,000 लिख देता हूँ मैं और सिंपल सा एंटर करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आकर आपको, यहाँ पर आपको टैक्स नहीं लगाना होता है, टैक्स आपको हमेशा इस आंसर के बाद में ही लगाना होता है, ठीक है। दोस्तों तो हम सिंपल सा एंटर करते हैं और यहाँ पर आकर जो राम था हमारा कहाँ का है, राजस्थान स्टेट का, और हमारी कंपनी मध्य प्रदेश की है तो इसलिए यहाँ पर IGST लगती है हमारी, तो मैं सिंपल सा IGST को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और IGST सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 1,44,000 रुपये हमारी IGST लग चुकी है। तो दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम सिंपल सा एंटर एंटर करेंगे, IGST हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम SGST और CGST आगे देखने वाले हैं क्या कि SGST CGST कैसे लगाते हैं। आपको सिंपल सा एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। दोस्तों अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं श्याम ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स हमारा मध्य प्रदेश का है
और मध्य प्रदेश का माल मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमारी एस जी एस टी और सी जी एस टी लगेगी। ठीक है दोस्तों, जहाँ के स्टेट का माल जहाँ पर बेचा जाए वहाँ पर एस जी एस टी लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं बेच देता हूँ मोबाइल 10 और यहाँ पर मैं रेट दे देता हूँ इसको 25,000 रुपये। ठीक है 25,000 रुपये मैंने यहाँ पर रेट दे दिया इसको। इसके बाद में मैं यहाँ पर कंप्यूटर बेचता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर, यहाँ पे 20 कंप्यूटर बैठ देता हूँ मैं, बेच देता हूँ। ठीक है एक कंप्यूटर का रेट मैं इसमें दे देता हूँ 30,000 रुपये। ठीक है दोस्तों 30,000 मैंने कंप्यूटर का रेट दे दिया है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा भी होगा तो। ठीक है यहाँ कौन सा हमको खरीदना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगानी होती, जीएसटी हमेशा आंसर के नीचे ही लगानी होती है, अगर यहाँ पे लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। तो ठीक है दोस्तों सिंपल सा एंटर करना है आपको, यहाँ पर हम एस जीएसटी और सी जीएसटी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एस जीएसटी लगा देता हूँ और इसके बाद में सी जीएसटी लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों ये हमारी एस जीएसटी और सी जीएसटी दोनों आ गई है। ठीक है ये टोटल पैसा है यहाँ पर, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में आपको सिंपल सा एंटर एंटर करना है। ठीक है दोस्तों तो हमारी इसमें हमने सेल में आई जीएसटी एस जीएसटी और सी जीएसटी कंप्लीट कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि आई जीएसटी हम केवल एक दो स्टेट के लिए लगाते हैं और सी जीएसटी एस जीएसटी हम तब लगाते हैं कि मध्य प्रदेश का माल मध्य प्रदेश में बेचा हो, राजस्थान का माल राजस्थान में बेचा हो, वहाँ पर हम एस जीएसटी सी जीएसटी लगाते हैं। मतलब सिंगल स्टेट के लिए एस जीएसटी सी जीएसटी और दो स्टेट के लिए आई जीएसटी। ठीक है दोस्तों सिंपल सा एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जीएसटी आई जीएसटी सी जीएसटी कंप्लीट हो चुका है, इसमें सेल के बारे में जाना है हमने। ओके दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।